नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में। देखेंगे आखिर अभी इन दोनों देशों के संबंधों की चर्चा क्यों की जा रही है, उसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि भी देख लेंगे और ब्रेग्जिट भी देख लेंगे। यूरोपीय यूनियन है जो, उससे ब्रिटेन के निकलने को हम लोग ब्रेग्जिट कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। भारत और ब्रिटेन के मध्य जो सहयोग के क्षेत्र हैं आपके, उन्हें भी देखेंगे। क्यों जरूरी है ब्रिटेन के लिए भारत, यानी कि भारत का महत्व क्या है, उस पर भी बात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी देखेंगे। इन दोनों देशों के संबंधों के बीच जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपकी, मैट्स पर चलते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा एशिया है, एशिया में ये है हमारा प्यारा भारत। ये आपके पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहां से जैसे ही आप लोग यूरोप पहुंचेंगे, ये आपका यूरोप है। जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें आपके 28 सदस्य थे पहले, ब्रिटेन के हटने के बाद आपके 27 सदस्य बचे हुए हैं। कितने? 27 सदस्य बचे हुए हैं। ठीक है, सत्ताईस सदस्य। यूके, इसे ही आप लोग जानते हैं, इसे ही कहते हैं बेटेन। ठीक है, यूके को, ये आपका यूक्रेन हो गया, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सभी आपके प्रमुख देश हैं आपके। स्पेन, कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की हो गया, जैसे रूस हो गया, ये आपके एशिया में भी पड़ते हैं और आपके यूरोप में भी पढ़ते हैं, दोनों महाद्वीप में ये देश पढ़ते हैं। जनवरी 2020 में ब्रिटिश संसद और यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेग्जिट समझौते पर अपनी सहमति अनुमति दी है। ब्रेग्जिट समझौते के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। भारत और ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है। कौन सा? ब्रिटेन। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य को लेकर अभूतपूर्व सहयोग देखा जा रहा है। पूरे विश्व में कोविड-19 की विभीषिका के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर परीक्षण तेज हो गए हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मिलित रूप से कोविड-19 की वैक्सीन से संबंधित सबसे बड़ा ट्रायल प्रारंभ हो चुका है। अभी उल्लेखनीय है कि ब्रेग्जिट के बाद भारत के साथ नई आर्थिक साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन सरकार द्वारा पुख्ता नींव रखने के साथ ही भारत के साथ उसके संबंध वर्ष 2017 में तब और मजबूत हुए जब इसे ब्रिटेन भारत सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाया गया। याद रखिए, अभी क्या हुआ करता था कि ब्रिटेन यानी कि पूरा यूरोपीय यूनियन के साथ, अगर आपने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता कर लिया है तो सभी देशों के साथ समझौता मान लिया जाता था। लेकिन आप समझते हैं कि ब्रिटेन अलग हो जाने के बाद आपको अलग अलग तरह से समझौता करने पड़ेंगे, ये भी आपके सामने एक समस्या रहेगी। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता और गैर उपनिवेशवादी अवधारणा की वकालत की, जबकि ब्रिटेन ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ गठबंधन किया। इस प्रकार प्रारंभ में भारत और ब्रिटेन राजनीतिक और वैचारिक रूप से एक दूसरे के विपरीत सिरे पर थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब आपको स्वतंत्रता मिली, तो आप सोचिए कि 1947 तक आप पर दूसरी शक्तियों का मतलब कब्जा था एक तरह से। 1947 में आपको छुटकारा मिला, उसके बाद आप देख रहे थे कि शीत युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ आपका रूस था, दूसरी तरफ अमेरिका था। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी गुट में शामिल होते तो एक तरह से कह सकते थे कि उन गुटों ने हमारे ऊपर फिर से कब्जा कर लिया। तो इसलिए हम लोगों ने ना तो रूस की तरफ झुका, सोवियत संघ जैसे कहते थे, और ना ही हम लोगों ने अमेरिका का साथ दिया। हम लोगों ने बीच का एक गुट निरपेक्षता का पथ अपनाया और एक अलग से कुछ देशों ने आपका नेम के नाम से एक संगठन बनाया। वस्तुतः द्विपक्षीय रूप से भारत ब्रिटेन संबंध वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध तक अच्छे रहे, परंतु युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के सहानुभूति भरे रूप के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई।
शीत युद्ध की समाप्ति तक संबंधों में यह गिरावट जारी रही। 1962 में क्या हुआ कि चीन ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारी हार हुई, चीन विजयी हुआ इसमें 1962 के युद्ध में, तो पाकिस्तान को भी लगने लगा कि इंडिया इतना कमजोर हो गया है, अब इसे हराया जा सकता है, तो पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर हमला बोल दिया। लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी तक जितने बार भी इस तरह के कदम उठाए हैं पाकिस्तान ने, मुंह की खानी पड़ी, फिर भी बाज नहीं आता है, समझ रहे हैं, मतलब फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। हर बार हार का सामना करना पड़ा। 1971 का युद्ध देख लीजिए, बांग्लादेश आजाद हो गया, 1971 के युद्ध के बाद ही तो बांग्लादेश आजाद हुआ, तब भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था उसे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक बदलाव आए और तब से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी गई। ये शीत युद्ध आपका 1991 में खत्म होता है, उसी समय समय देखते हैं आप लोग कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, रूस उससे अलग हो जाता है और बाकी देश भी उससे अलग हो जाते हैं। सन 2004 में दोनों देशों ने सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। वस्तुतः वर्ष 1995 के बाद से ही दोनों देशों के बीच रक्षा सलाहकार समूहों का गठन भी किया जा चुका था। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय ब्रिटेन का दौरा भी किया। इस दौरान सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संधि पर सहमति व्यक्त की गई। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग हेतु एक संयुक्त तो वक्तव्य जारी किया गया, जो जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने और स्वच्छता स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। नवंबर 2016 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भारत का दौरा किया था। उस समय यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत था। उसे व्यक्तिगत तौर पर भारत से अपने संबंधों की को पुनर्स्थापित करना था। ब्रेग्जिट की अगर हम लोग बात करें, ये भी आप लोग समाचारों में अक्सर सुनते रहते हैं। ब्रिटेन सबसे पहले 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि ईईसी में शामिल हुआ था। उस दौर में यूरोपीय संघ को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से आप लोग जानते थे। ईयू में शामिल होने के कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यह मांग की कि जन्म संग्रह के माध्यम से तय किया जाए कि ब्रिटेन ईयू में रहेगा या नहीं, यूरोपियन यूनियन में रहेगा या नहीं। अगले 30 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। वर्ष 2017 में घटनाक्रम में कुछ ऐसे बदलाव हुए, जनमत संग्रह की मांग तेज होने लगी। ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसने 2010 से 2015 के बीच सत्ता में रही और इसने चुनावी वादा किया कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी पुनः सत्ता में आती है तो वह सर्वप्रथम जनमत संग्रह कराएगी और ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं इसका निर्धारण होगा। इसलिए चुनाव जीतने के बाद डेविड कैमरून पर वादा पूरा करने का दबाव पड़ने लगा। जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया और जिसमें आपके 52% यानी कि 52% लोगों ने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया, यानी कि यूरोपियन यूनियन से निकलने की बात कही आपके 52% लोगों ने, जबकि 48% लोगों ने ब्रेग्जिट के विपक्ष में मतदान किया और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ब्रेग्जिट का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें भारत और ब्रिटेन के मध्य सहयोग के क्षेत्र देखें तो संस्थागत संवाद तंत्र, भारत और ब्रिटेन के बीच कई द्विपक्षीय संवाद तंत्र मौजूद हैं जिनमें आपका राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा आदि क्षेत्रों की एक विस्तृत रूपरेखा शामिल है। व्यापार की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2015-16 के दौरान ब्रिटेन भारत की शीर्ष 25 व्यापारिक भागीदारी की सूची में 18वें स्थान पर था। भारत ब्रिटेन को वस्त्र, मशीनरी, उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद और चमड़े जैसे उत्पादों का निर्यात करता है, यानी कि हम उन्हें देते हैं, बेचते हैं। पिछले 3 वर्षों यानी कि 2015 से 2018 के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच कुल व्यापार में 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। कितनी? 27% की। अगर निवेश की बात करें तो मॉरिशस व सिंगापुर के बाद ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा आवक निवेशक है।
शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। पिछले 10 वर्षों में भारत यूके एजुकेशन फॉर्म, यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव जैसे द्विपक्षीय तंत्रों की सहायता से दोनों देशों के संबंध काफी प्रगाढ़ भी हुए। भारतीय छात्रों की बात करें तो ब्रिटेन पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है। वर्तमान में आपके 20,000 भारतीय छात्र ब्रिटेन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश के 20,000 के करीब आपके छात्र लगभग ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे हैं। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक संबंध गहरे और व्यापक हैं, जो दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक इतिहास से उत्पन्न हुए। दोनों देशों की संस्कृति, व्यंजन, सिनेमा, भाषा, धर्म, दर्शन, प्रदर्शन कला आदि एक दूसरे के पूरक बन गए। आप भी देखते हैं कि आपके यहाँ से जो भी कंपनियां जाती हैं तो सबसे पहले ब्रिटेन में ही जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है, तो एक हमारे यहाँ की जो भी कंपनी कर्मचारी रहेंगे उन्हें सहूलियत होती है। उसके बाद फ्रेंच और जर्मनी इस तरह की भाषाएं सीखते हैं, तभी वो आगे वहां से फैलाते हैं कंपनी। इंडियन, अगर हम लोग डायस्पोरा की बात करें तो ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा देश के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोगों की आबादी है, जो ब्रिटेन की कुल आबादी की लगभग 1.8% है। भारतीय डायस्पोरा ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ से व्यक्ति हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो ये करीब आपके 1.5 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 15 लाख के करीब यहाँ हमारे यहाँ के लोग रहते हैं। अगर भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो हिंद महासागर की पहचान दोनों देशों के बीच निकट रक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में भी की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की पूर्ण सदस्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटेन के समर्थन की आवश्यकता है। और याद रखिए, ब्रिटेन हमेशा हमारी मदद करता रहा है, हमारी सहायता करता रहता है। क्यों जरूरी है आखिर ब्रिटेन के लिए भारत? ब्रेग्जिट के निर्णय के बाद भारत ब्रिटेन संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। भारत ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है। ब्रिटेन की कुल GDP में प्रवासी जो भारतीय हैं इनका लगभग 6% योगदान है। इन सब के बावजूद भारत ब्रिटेन का व्यापार काफी कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता भी है। ब्रिटेन का कारों पर आयात कर कम करने के साथ ही वित्तीय सेवाओं और कानूनी फार्मों के भारत में प्रवेश की मांग करता रहा है, लेकिन भारत को अपने हितों पर भी ध्यान देना होगा। यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद ब्रिटेन का इससे व्यापार कम हो जाएगा। इससे इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ब्रिटेन भारत से व्यापार बढ़ाने को उत्सुक है। द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले अगर मुद्दों की बात करें तो प्रवासी भारतीयों पर विवाह। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा ने ब्रेग्जिट के खिलाफ मतदान किया था, क्योंकि यह संभावना थी कि ब्रिटेन में भारतीय IT पेशेवरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जब ब्रिटेन अधिक संख्या में ब्रेग्जिट पेशेवरों की नियुक्ति करेगा, व्यापार पर अगर प्रभाव देखें तो यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते का पालन करना ब्रिटेन के लिए प्राथमिकता नहीं होगी। ब्रिटेन प्रारंभ में व्यापार के लिए मौजूदा बाधाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन भारत को ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में व्यापार के अंतर को भरने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भारत और यूरोपीय संघ संबंधों पर प्रभाव की बात करें तो भारत यूरोपीय संघ के मध्य 72.5 बिलियन यूरो का व्यापार होता है, जिसमें आपका 19.4 बिलियन यूरो का व्यापार अकेले ब्रिटेन के साथ होता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद व्यापार का एक बड़ा भाग प्रभावित हो जाएगा। ब्रेग्जिट भारत व यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के लिए एक चुनौती भी है, लेकिन भारत को ब्रिटेन के बिना यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को प्रभावित करने की आवश्यकता भी होगी। अगर बात करें वीजा और आव्रजन की, ब्रिटेन का मानना है कि यहाँ पर 1 लाख से अधिक अवैध भारतीय प्रवासी हैं। ब्रिटेन ने भारत सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया है कि जिन भारतीयों को ब्रिटेन में रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें भारत वापस भेजा जाए।
पाकिस्तान के साथ अगर ब्रिटेन के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के मौजूदा संबंध भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंध बनाने की प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। कुछ भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ब्रिटेन को पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले देश के रूप में भी मानते हैं। अगर चीन के साथ ब्रिटेन के घनिष्ठ संबंधों की बात करें तो संसदीय जांच रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को चीन जैसे गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में कठिन वीजा मानदंडों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि चीन के साथ मजबूत संबंध भारत के साथ गहरी साझेदारी को हानि पहुंचाने की कीमत पर नहीं होने चाहिए। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में साझा मूल्यों, समान कानूनों, संस्थाओं के आधार पर अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की ब्रिटेन और भारत की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है। दोनों देश वैश्विक दृष्टिकोण और एक नियम आधारित ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के प्रति वचनबद्धता का हिस्सा भी हैं जो उन एक तरफा उठाए गए कदमों का जोरदार विरोध करती है, जो बल के माध्यम से इस प्रणाली को कमजोर करना चाहते हैं। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी है, जिसका विस्तार समूचे विश्व में हो। दोनों देश अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को उन अनेकानेक गतिविधियों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो भारत और ब्रिटेन को पारिवारिक स्तर से लेकर वित्तीय व्यवस्था और व्यवसाय से लेकर बॉलीवुड तक और खेल से लेकर विज्ञान तक परस्पर जोड़ती हैं। तो ये आपके भारत और ब्रिटेन के संबंधों की बात की जा रही है। फिर चाहे आपका अमेरिका से संबंध की बात हो, चाइना से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, जो भी देश रहते हैं चर्चा में, उन सभी के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। जब भी इस तरह का कोई न्यूज आती है तो बात करते रहते हैं, और इन्हीं से आप लोग आपको आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट मिल जाते हैं। संबंधों, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो इन्हीं से आप पॉइंट अपने निकाल सकते हैं। ठीक है,